अस्पताल यहाँ के लिए मंजूर है लेकिन बनी नहीं है, पैसा कारण सब नहीं लिए। अरे उन तो लगता सालन से नहीं आए। तो ये ट्यूबवेल बंद होने से हम लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़े। क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम विकास सिंह है, मैं हरदुआ आदर्श सांसद आदर्श ग्राम हरदुआ का निवासी हूँ। और क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, क्या हालात हैं गांव के? गांव के हालात हो गया ज्यादा विशेष अच्छे नहीं है। यहाँ जो भी निर्माण कार्य होता है गुणवत्ता विहीन है, मतलब गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। काम होता है लेकिन गुणवत्ता नहीं है। जैसे कि स्कूल बना हुआ है, इसकी जो छत है तो बहुत कमजोर है, इसकी छत में ऊपर से पानी डाला जाए तो इसका पानी नीचे आ जाता, सीपेज लेके आ जाता, जबकि स्कूल अभी पिछले साल बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं उसमें भी विद्यालय लगता है लेकिन उसका भी दरवाजा खुला है, उसकी सारी खिड़कियां खुली हुई है, उसमें विद्यालय नहीं लगता, बच्चों को बाहर बैठाया जाता है। इसके बाद ये जो सामने विद्यालय है, अभी करीब 10 दिन पहले जब एग्जाम चल रहे थे तो उसमें ताला नहीं बंद किया जाता था, इसकी पूरी सामग्री यहीं बाहर रख देते थे। सामने वाली हुई बिल्डिंग, ठीक है, इसके बाद वाली बिल्डिंग, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ समस्या है? स्कूल के नहीं है, स्वास्थ्य का क्या हालत है? स्वास्थ्य समस्या, कोई अस्पताल है आसपास? अस्पताल यहाँ के लिए मंजूर है लेकिन बने नहीं, यहाँ से पास में सिमरिया 3-4 किलोमीटर, तो स्वास्थ्य सुविधाएं सही है तो वहाँ लोग जाते हैं, दवाई वहाँ जाते हैं लोग। उसके अलावा पानी वानी की? पानी का यहाँ समस्या है, एक ये पेयजल योजना करके चला था जिसमें से ग्रामीणों से 500 रुपए पर घर जमा करवाए गए थे, टंकी भी बनवाया गया था लेकिन आज तक इसका कनेक्शन नहीं दिया गया, पानी की सप्लाई नहीं हुई। अच्छा, और आप क्या स्कूल को रेंट पे दिया गया है क्या बता? हाँ, ये हमको तो ऐसा ही लगता है कि ये जो स्कूल है इसको किराए पे दिया गया है, जो ये बिल्डिंग का निर्माण कार्य करवा रहे हैं उसका मटेरियल सब इसमें अंदर लगा रखा रहता है और इसमें बच्चों को बैठने नहीं दिया जाता, जब स्कूल विद्यालय लगता है तो बच्चे बाहर बैठते हैं। शौचालय की हालत भी बहुत बुरी है क्या? शौचालय की हालत बहुत बुरी है, एक शौचालय उधर बना हुआ है लेकिन उसको खोला नहीं जाता कभी, जिससे जो बालिकाएं जो बच्चे हैं तो सब लोग पीछे जाते हैं शौचालय करने। खुले में? हाँ खुले में, वो जो शौचालय बना भी है तो उसका मतलब पूरा गिर गया, नष्ट हो गया है। हीरालाल बंसल, कहाँ के रहने वाले? हरदुआ। तो क्या क्या समस्याएं हैं गांव में? वो लाइट नहीं चलती है और ट्रांसफार्मर बिगड़ा है और साथ साथ पानी भी कष्ट है। पानी की क्या समस्या है? पानी को हम लोग लाइन लगाना पड़ता है और पानी कष्ट ये भी है सर। अब बिजली का क्या, घर में नहीं है बिजली? बिजली घर में है, लगी हुई मगर वो ट्रांसफार्मर जला है। अच्छा, सरकारी स्कीम का फायदा मिला है आवास योजना का? एक बार मिला सर। अच्छा, क्या कितना मिला है? 70,000। अच्छा, तो 1,20,000 है तो सर हम लोग को नहीं पाए। नाम क्या है? सोतम बंसल। कहाँ रहते हैं आप? यही घर है मेरा। तो क्या समस्या है इधर? वो समस्या सबसे बड़ी है जाने कहाँ है, लाइट ज्यादा समस्या है, लाइट आज कम 3 मास और पानी भी है। अच्छा, लाइट की क्या समस्या है? 3 मास से ट्रांसफार्मर जला है, हम लोग परेशान है, लाइट नहीं चल रही है। अच्छा, धूप का सीजन है। तो आप आपने बिजली विभाग से कंप्लेन नहीं किया? नहीं, चर्चा उठाई गई जो लाइन में होते हैं उनसे उठाई, तो बोले सर जब उसका बिल आप लोग देंगे तभी ट्रांसफार्मर लगे, नहीं ट्रांसफार्मर नहीं लग पाए। अच्छा, पुराना बिल दो तब लगे। लड़कों का पढ़ाई का जिस तरह हो रहा है। अच्छा, तो उससे नुकसान क्या हो रहा है आपको? नुकसान भी वही है, छोटे छोटे बच्चे गर्मी से तबाह हो रहे हैं, मैं पढ़ाई छोटी पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए वो पढ़ाई की दिक्कत होती है, लाइट की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते। अच्छा, अच्छा, तो आपने MP जी से जो गोद लिया हुआ है उन्होंने तो उनसे बात नहीं किया आप लोगों ने? उनसे नहीं बात हो पाई। अच्छा, वो कब आए थे वो? अरे उन तो लगता है सालन से नहीं आए। अच्छा, सालों से नहीं आए। अब पानी की समस्या क्या बता रहे थे? यहाँ पे नल है आपका? पानी के नल यहाँ 2-4 दिन में इसके बॉडी हो जा रही है, गट लग जाएगा, हमको पानी बहुत बड़ी संकट हो जाएगी। फिर से इसको बताइए इसके लिए कहाँ पे नल के बारे में? स्कूल के पास में। हाँ हाँ, तो क्या नल से अभी आप लोग पानी लेते हैं? सर फिलहाल का हम लोग कर रहे हैं यहाँ से काम, जब वो जैसे पैक हो जाएगा तब हम लोगों को पानी संकट हो जाएगा। अच्छा, बाउंड्री बन रही है, फिर कहाँ से लाएंगे पानी? अभी तो सोचने वाली बात है सर, कहाँ से पानी हम लोग लाते हैं? तो यहाँ तो टंकी भी लगी है। टंकी बनी लेकिन उसमें अभी पाइप लाइन का काम नहीं शुरू हुआ है। अच्छा, गर्मी भी है तो पानी से गुजारा कैसे होगा? अब ये तो भगवान जाने किस तरह से हम लोग भाई अपन दीपा चला सकते हैं परिवार के बीच में पानी के लिए। क्या समस्या है हरदुआ में? हरदुआ में समस्या श्रीमान जी, जैसे अगर ये ट्यूबवेल बंद हो जाए
तो ये ट्यूबवेल बंद होने से हम लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़े, ये ऊपर वाला मालिक जाने, क्योंकि इस ट्यूबवेल से आधे ग्राम पंचायत का पानी यहाँ से जाता है सप्लाई। अगर लाइट न रही तो मान लीजिए कि यहाँ की हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कितनी आबादी है इसमें? 4000 के लगभग तो सर यहाँ वोटर्स हैं, आबादी के लिए नहीं बता सकते कितनी है। अच्छा, तो मतलब पूरा गांव जो है आधा ज्यादा गांव इसी ट्यूबवेल से पानी पीते हैं। तो पानी की समस्या दूर नहीं की गई? श्रीमान जी, पानी की समस्या तो अभी तो नहीं की गई है। तो सांसद जी ने गोद भी लिया है इस द्वारा, इस रास्ते पे कुछ काम नहीं किया गया? नहीं नहीं करवाए हैं, जैसे ये पानी की टंकी का निर्माण हुआ है, लेकिन क्या है कि सप्लाई अभी शुरू नहीं हुई है। जो पानी की टंकी बनी थी तो उसके पास ट्यूबवेल नहीं हुआ है, मतलब हुआ था पानी उसमें नहीं है। तो कैसे कैसे फिर आप लोग करेंगे अगर बंद हो जाता है तो? लाइट नहीं रहती तो कहाँ से करते हैं? श्रीमान जी, आदमी कहीं ना कहीं फिर जाना पड़ता है पानी लेने, दूर दराज तक दो दो तीन तीन किलोमीटर तक जाना पड़ता है हम लोगों को पानी लेने।